तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे एग्री किंग के 2055 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के बारे में। तो आज इसकी पूरी जानकारी करने वाले हैं जी, इसके अंदर आपको क्या क्या जो है इंजन की स्पेसिफिकेशन होगी और इसकी कीमत क्या होगी मेले के अंदर, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है जी, और ये जो है 50 HP कैटेगरी के अंदर ही आता है जी, जो कि 3 सिलेंडर के साथ आता है, और उसके अंदर जो इंजन है वो किर्लोस्कर का है जी। और ये जो ट्रैक्टर है 3120 क्यूबिक कैपेसिटी के साथ आपको मिलने वाला है, जो कि 2200 RPM पे चल करके अपनी फुल पावर आपको जनरेट करके देगा। वहीं अगर मैं इसके बोरो स्ट्रोक की बात करूं तो ये ट्रैक्टर 105x120 के बोरो स्ट्रोक के साथ आता है जी। अगर मैं फ्रंट से बात करूं तो जो है इसकी ट्रैक्टर की जो शो है वो कुछ आपको इस तरह देखने की मिलेगी, बीच में जो है आपको कंपनी का लोगो देखने को मिलने वाला है, और जो उसकी हेड लैंप दी गई है वो आपको जो है हेलोजन टाइप की मिलने वाली है। फ्रंट में ट्रैक्टर के जो है वेट लगाया गया है, 5 प्लेट वेट की लगाई गई है, जिसमें जो एक प्लेट है वो 28 किलो की है। तो 5 प्लेट लगी हैं जी, यानी कि लगभग इसमें 140 के लगभग जो है वेट हो जाता है, 1.5 क्विंटल के करीब वजन है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो है एक पहले भी वेट होल्डर लगा हुआ है, तो 1.5 क्विंटल के करीब वजन ये जो है हो जाता है जी। फ्रंट एक्सल देखो आप, हैवी ड्यूटी एक्सल दिया गया है, और पावर स्टेयरिंग के साथ जो है ये ट्रैक्टर आ रहा है विद बैलेंसिंग रोड के साथ। तो ये आप देख रहे हो कि जो पावर स्टेयरिंग है, और फ्रंट टायरों की बात करूं तो इसके अंदर जो आपको फ्रंट टायर मिलते हैं जी वो 8/3/24 के मिल रहे हैं, और जो पिछले टायर हैं वो 16/9/28 के आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। इसका जो एयर क्लीनर है वो वेट टाइप का आपको मिलता है जी, वेट टाइप का एयर क्लीनर मिलेगा। और इस ट्रैक्टर की जो बैटरी दी गई है वो आपको फ्रंट में मिलने वाली है इसकी बैटरी। अगर अब मैं थोड़ा ट्रैक्टर के जो है ऊपर से बात करूं तो जो इसकी आप डैशबोर्ड देखो, ट्रैक्टर की डैशबोर्ड जो है बिल्कुल आपको जो है पुराने मेसी या फिर जो है स्वराज ट्रैक्टर है उस तरह की जो है इसकी डैशबोर्ड आपको देखने में लगेगी। स्टेयरिंग बिल्कुल छोटा है, काफ़ी सुंदर जो है स्टेयरिंग को मिलेगा इसके अंदर। अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो ये ट्रैक्टर साइड और सेंटर दोनों में उपलब्ध है जी, और इसमें आपको 24 स्पीड मिलती हैं जी। फुल्ली सिंक्रोमस गेयरबॉक्स इसका आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको VN और VS की स्पीड मिलेगी, और इसमें ट्रैक्टर में आपको जो है क्रीपर गियर भी मिलने वाला है। वहीं अगर हम इसके ब्रेक की बात करते हो, ये OABT टाइप के आपको मिलेंगे, और क्लच इसके अंदर आपको जो मिलने वाला है डबल मिलेगा, और इसमें IPTO जो आपको स्टेयरिंग के पास मिलने वाला है। और ये साइड में आप देख रहे हो ये क्रीपर गियर है जी, जो आपको सुपर सीडर और क्रीपर वगैरह पे कम स्पीड देता है। 1800 kg लगभग इस ट्रैक्टर की जो है आपको लिफ्ट कैपेसिटी मिलने वाली है। डीसी वाल्व को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे जो है आपको लीवर मिलेगा। ट्रैक्टर का जो है यहाँ पे आपको पार्किंग ब्रेक मिल रहा है। अगर प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो कुछ इस तरह का जो है आपको इसका प्लेटफॉर्म देखने को मिलने वाला है। तो अगर मैं बैक साइड से ट्रैक्टर की बात करूँ तो अगर मैं अब करूं इसकी बैक साइड से बात, तो साथियों ये जो ट्रैक्टर है ये 1800 kg लिफ्ट कैपेसिटी के साथ आता है जी। इसमें आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे मिलेगा, और फॉलेज वगैरह के लिए एक यहाँ पे अलग से जो नीचे दे रखे है जी, और ये सिंगल जो है लिंक के साथ आ रहा है जी। ऑटोमेटिक ड्राफ्ट कंट्रोलिंग का सिस्टम सारा इसमें दे रखा है। पिछला हिस्सा इसका जो है वो EP साइक्लिक रिडक्शन हब रिडक्शन के साथ आता है जी। इसका जो ट्रांसमिशन है वो फुल्ली सिंक्रोमस दिया गया है, और इसका इंजन का हाइड्रोलिक का जो है अलग अलग ऑयल दिए गए हैं जी। ये जो है ये हाइड्रोलिक का यहाँ पे जो है तेल मिल रहा है अलग से, और इसमें जो है क्लच अलग से आपको मिलने वाला है जी। ऊपर डुअल क्लच यहाँ पे निर्मित दिया गया है, ये देखिए। तो अगर मैं अब इस ट्रैक्टर की कीमत की बात करूं तो किसान साथियों, इस ट्रैक्टर की जो कीमत है वो 10.5 लाख रुपए के करीब रखी गई है जी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।